हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रभाव वर्कबुक क्लास 6 to 7 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 1st, 2nd, 3rd and 4th एंड बेस असेसमेंट एंड असेसमेंट 1st का सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट 5th का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्स। यहाँ हमें ब्लैंक्स दे रखे हैं सेंटेंसेस में, जिन्हें हमें फिल करना है जो बॉक्स में गिवन है प्रीपोजिशन उनके द्वारा। हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस है द बॉयज आर ब्लैंक द क्लास। यहाँ ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा इन। द बॉयज आर इन द क्लास। सेकेंड है द हॉर्स इज जम्पिंग ब्लैंक द वॉल। तो यहाँ आएगा ब्लैंक में ओवर। द हॉर्स इज जम्पिंग ओवर द वॉल। थर्ड है द डॉग इज रनिंग ब्लैंक द कैट। यहाँ ब्लैंक में आएगा आफ्टर। द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। फोर्थ है राधा इज पुटिंग हर बुक्स ब्लैंक हर बैग। तो यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन होगा इनटू। राधा इज पुटिंग हर बुक्स इनटू हर बैग। फिफ्थ है द डॉग इज सिटिंग ब्लैंक द कार। तो यहाँ जो डॉग है इसके लिए क्या आएगा अंडर। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ आ जाएगा अंडर। द डॉग इज सिटिंग अंडर द कार। तो ये थे करेक्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ भी हमें कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमें फिल इन द जो ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है करेक्ट सूटेबल प्रीपोजिशन से। प्रत्येक सेंटेंस में हमें क्या दे रखा है, 2 प्रीपोजिशन दे रखे हैं, हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करके फिल करना है ब्लैंक में। फर्स्ट है द कैट जम्प्ड ब्लैंक इन और इनटू द रिवर। तो यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा इनटू। द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। सेकंड है मीना इज सिटिंग ब्लैंक अंडर और ऑन द बेड। यहाँ होगा ऑन। मीना इज सिटिंग ऑन द बेड। थर्ड है शी इज स्लीपिंग ब्लैंक अंडर और इन अ ट्री। यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन होगा अंडर। She is sleeping under a tree. Next fourth है बीना is standing blank on or a the bus stop. यहाँ होगा correct preposition a. Bina is standing at the bus stop. Fifth है Monday comes blank after or before Sunday. Monday कब आता है, संडे के बाद या संडे से पहले। तो यहाँ होगा बिफोर। मंडे कम्स बिफोर संडे। तो ये था वर्कशीट 5th का सॉल्यूशन। हम इसी तरह अन्य वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।